हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग सब जानते हैं, GSTR 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अब आपको फाइल करनी है 30 नवंबर 2019 या उससे पहले। जी हां फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने जो GSTR 9 और 9C है फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2019 कर दी थी। अब आपको करना क्या है कि आपको GSTR 9 और 9C अपने क्लाइंट की फ़ाइल करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको GSTR 9 और 9C के बारे में एक ओवरव्यू प्लान बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने क्लाइंट की GSTR 9 और 9C फाइल करते हुए कुछ भी गलती ना कर सके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको GSTR 9 और 9C के ऊपर एक ओवरव्यू देने वाले हैं, जिससे कि आप ओवरऑल प्लान तैयार कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो GSTR 9 और 9C जानी थी उसको लेकर 2-3 बार डेट को एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन अब अगर आप फिर से सोच रहे हैं कि GSTR 9 और 9C को फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट फर्दर डेट को एक्सटेंड करेगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप 30 नवंबर 2019 से पहले अपने क्लाइंट की सभी टोटल आउटवर्ड सप्लाइज़ और टोटल इनवर्ड सप्लाइज़ और ITC क्लेम्ड और रिवर्स्ड और एडवांसेस सभी डेटा को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आप अपने क्लाइंट के GSTR 9 और 9C को 30 नवंबर 2019 से पहले खुद से फाइल कर लें। यहाँ पर हम आपको एक बात और याद दिला देना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर 2019 को डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 47 इशू किया था, जिस नोटिफिकेशंस के लास्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया था कि अगर आप अपने क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को ड्यू डेट रहते हुए यानी कि 30 नवंबर 2019 से पहले खुद से फाइल नहीं करते हैं, तो 30 नवंबर 2019 के बाद डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने अपने क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को खुद से फाइल कर दिया था। फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये बता दें कि GSTR 9 और 9C को जब आप फाइल करते हैं तो उसमें एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है टोटल आउटवर्ड सप्लाइज़ और इनवर्ड सप्लाइज़ का और ITC क्लेम्ड का और रिवर्स्ड का और GSTR 3B में जितना आपने टोटल टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, डिपार्टमेंट उसी डेटा को फाइनल डेटा मानकर आपके क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को 30 नवंबर 2019 के बाद जो कि ड्यू डेट है खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा कि आपने अपनी GSTR 9 और 9C को खुद से फाइल कर दी थी, ये मान लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि अगर आप 30 नवंबर 2019 से पहले अपने क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को खुद से फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 74 जो कि फ्रॉड के केस में किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट की फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आप 30 नवंबर 2019 से पहले उनको सही नहीं करते हैं और 30 नवंबर 2019 के बीत जाने के बाद डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने अपने क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को खुद से फाइल कर दिया है एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 47 जो कि 9 अक्टूबर 2019 को डिपार्टमेंट ने इशू किया था। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्लाइंट की GSTR 9 और 9C को बिफोर ड्यू डेट खुद से फाइल कर लीजिए, जिससे कि आपको अंडर सेक्शन 74 के तहत आपको नोटिस इशू ना कर सके डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज इस वीडियो में हम आपको GSTR 9 और 9C के ऊपर एक ओवरव्यू देने वाले हैं, जिससे आप अपने क्लाइंट की जब GSTR 9 और 9C बिफोर 30 नवंबर 2019 फाइल करेंगे तो आप उसमें कुछ भी गलती ना कर सके। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लीगल प्रोविजंस की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें GSTR 9 और 9C को किनको फाइल करना है और किनको फाइल नहीं करना है, तो उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो हम आपको लीगल प्रोविजंस की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर बताया गया है क्या एज़ पर सेक्शन 44 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ CGST एक्ट 2017 ऑल द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर GST मस्ट फाइल GSTR 9 फॉर्म। ठीक है, हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9।
कौन कौन से पर्सन नहीं फाइल कर सकते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और फोर्थ कौन है, पर्सन पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51 और सेक्शन 52 ऑफ GST एक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं सेक्शन 51 और सेक्शन 52 को इन डिटेल में समझना, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं, जिसको कंसिडर हम करेंगे और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर चलते हैं GSTR-9 के एक ओवरव्यू के ऊपर, जिसके जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप अपने क्लाइंट की GSTR-9 फाइल करें तो उससे पहले आपको किन किन बातों को माइंड में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि GSTR-9 को जब आप फाइल करें तो पहले समझ लें कि GSTR-9 को डिपार्टमेंट ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं GSTR-9 की। अगर हम बात करें GSTR-9 की, जो कि डिपार्टमेंट ने GSTR-9 को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है, हम फिर से बता देते हैं, GSTR-9 को डिपार्टमेंट ने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है और इन टोटल पार्ट्स में 19 टेबल्स दी गई हैं, जिसमें 19 टेबल्स आपको दी गई हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले पार्ट्स की तरफ। तो अगर हम बात करें GSTR-9 के पहले पार्ट की, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक डिटेल आपके क्लाइंट की अवेलेबल होंगी, जहां पर आप कुछ भी चीज़ अपने आप से फिलअप नहीं कर पाएंगे, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, जैसा कि आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप GSTR-9 फाइल कर रहे हैं, जैसे GSTN नंबर आपके क्लाइंट का, लीगल नेम होगा और ट्रेड नेम आपके आपके क्लाइंट का वहां पर दिया गया होगा। अगर हम बात करें GSTR-9 के सेकंड पार्ट की तरफ, तो जहां पर आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाइज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल ईयर यानी कि 17-18 के लिए जब आप अपने क्लाइंट की GSTR-9 फाइल करेंगे, और जैसे ही आप GSTR-9 के सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको वहां पर आपके क्लाइंट की टोटल फाइनेंशियल ईयर में आपके क्लाइंट की टोटल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाइज दी गई होगी, जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर में अपने क्लाइंट की R1 और 2A यानी कि टोटल आपके क्लाइंट की टोटल सेल्स और टोटल परचेज का डेटा वहां पर आपको अवेलेबल होगा। अगर हम बात करें अपने GSTR-9 के थर्ड पार्ट की, जहां पर आपको डिटेल ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर दी गया होगा, फ्रेंड्स यहां पर हम आपको बता दें, जो GSTR-9 का थर्ड पार्ट है, जहां पर आपको डिटेल ऑफ ITC मिलेगा, वहां पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके 2A से ऑटो पॉपुलेटेड होता है। वहीं अगर हम बात करें GSTR-9 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें आपको डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जैसे फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट की GSTR-3 भी फाइल करते हैं और उसमें आप अपने क्लाइंट का मंथली GST की लाइबिलिटी, जितनी उसके ऊपर टैक्स लगता है, वहां पर आप GSTR-3B से उसको पेड करते हैं, तो वही डिटेल आपके क्लाइंट की पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो शो होगी, वो GSTR-9 के पार्ट 4 में शो होने वाली है। अब अगर हम बात करें GSTR-9 के फिफ्थ पार्ट की, जहां पर आपको पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ अप्रैल टू सितंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर और अप टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आप GSTR-9 फाइल कर रहे हैं अपने क्लाइंट की, लेकिन आप जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कर रहे हैं। तो आपके क्लाइंट का अगर कुछ फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कुछ डाटा छूट गया था, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करके उसे फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में लाए हैं, तो आपको वह सब डाटा आपको यहाँ पर टेबल यानी कि GSTR-9 के फिफ्थ पार्ट में दिखाया जाएगा। आपको वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं GSTR-9 के 6 पार्ट की, जहां पर आपको पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स की इंफॉर्मेशन डालनी है। इससे आपको होगा क्या कि अगर आपका 17-18 का कुछ रिफंड्स बनता होगा जो कि आप क्लेम करेंगे डिपार्टमेंट से, तो वह इंफॉर्मेशंस आपको GSTR-9 के 6 पार्ट में मिल जाएगी। और अगर आपकी तरफ कुछ डिमांड्स निकलती होगी तो आपको फॉर्म DRC-03 के थ्रू आपको वो फॉर्म के थ्रू अपनी लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, 17-18 की जो लायबिलिटी आपके ऊपर टैक्स की बनती होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप GSTR-9 को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कितनी लेट फीस लगेगी, और आप जब विद इन ड्यू डेट अपने क्लाइंट की GSTR-9 और 9C को फाइल नहीं करते हैं तो आप बन जाते हैं डिफॉल्टर। अब जब आप डिफॉल्टर बन जाते हैं तो आपको कौन से सेक्शन के अंतर्गत नोटिस इशू किया जाएगा? तो अगर आप 30 नवंबर 2019 से पहले पहले अपने क्लाइंट की GSTR-9 और 9C को फाइल नहीं करेंगे तो आपको सेक्शन 46 के अंतर्गत एक नोटिस इशू किया जाएगा। जैसे ही आपको वह नोटिस मिलेगा तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी पेंडिंग GSTR-9 और 9C को फाइल करने के लिए। दूसरी बात आती है कि आपके ऊपर लेट फीस कितनी लगेगी और किस कैलकुलेशंस के बेस पर लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि 30 नवंबर 2019 के बाद आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो पर डे के अकॉर्डिंग लगेगी। अब पर डे के अकॉर्डिंग लगेगी कितनी, तो वही हम पेनल्टी की बात करें तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगने वाली है वो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगने वाली है। अब इस 200 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? 100 रुपीज़ CGST और 100 रुपीज़ SGST, यानी कि 100 + 100 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्या ये मैक्सिमम पेनल्टी है? नहीं फ्रेंड्स, जो एक्ट में डिफाइन किया गया है, मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है आपके ऊपर 0.50% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए, 0.50% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जितना आपका टर्नओवर था उसका 0.50% आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। अब बात आती है जनरल पेनल्टी की। अगर डिपार्टमेंट को आप ये लगता है कि आपने जानबूझकर अपनी GSTR-9 और 9C को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया है तो आपके ऊपर एज पर सेक्शन 125 पेनल्टी कितनी लगेगी? जी हाँ फ्रेंड्स, उस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जानबूझकर डिफॉल्टर हुए हैं आप GSTR-9 और 9C को फाइल करने के लिए, तो आपके ऊपर मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। हालांकि इस प्रोविजंस में आपको डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमने इस वजह से हम अपनी GSTR-9 और 9C को फाइल नहीं कर पाए। अगर डिपार्टमेंट आपके रीज़न से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपके ऊपर इस सेक्शंस को अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो GSTR-9 को लेकर, जहाँ पर हमने एक आपके लिए आपके सामने एक ओवरव्यू दिया है कि जब आप अपने क्लाइंट की GSTR-9 और 9C फाइल करें तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।